तो हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। तो लेकर आ चुके हैं आपके लिए न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में गाइस बात करने वाले हैं कि मेंटिस माउस प्रो की गाइस सिंगल मोबाइल से एक्टिवेशन कैसे करें। तो गाइस बिना किसी तरीके वीडियो करते हैं, बिना कहीं टाइम गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ना ही कुछ टाइम वेस्ट करेंगे, सबसे पहले फ़ोन को उठा लेता हूँ और सबसे पहले अपना वर्जन चेक कराता हूँ। मेरा वर्जन कौन सा है भाई, क्योंकि वर्जन मत दिखाना ज़रूरी है, बाद में यार बंदा बोले कि यार झूठ बोला तुमने। देख सकते हो गाइस एंड्रॉयड 11 वर्जन है। गाइस बैक करते हैं सब कुछ को, उसके बाद आता है सीधे मेंटिस माउस ऐप में और आपको दिखाता हूँ कि मेरी एक्टिवेशन नहीं है भाई। तो चेक कर लो गाइस एक बार, फिर भी आप एक्टिवेशन नहीं है, यहाँ पर क्लिक करते हैं एक्टिवेशन वाले पे। तो गाइस देख सकते हो सबसे फर्स्ट ऐप आ चुका है, इसको इनेबल करते हैं। नीचे आ जाते हैं डिस्प्ले ओवर इट विल, इस पर नीचे आ जाते हैं मेंटिस माउस, इसको करते हैं गाइस अलो। ठीक है, उसके बाद बैक आ जाते हैं, फिर से गाइस सेकंड गाइस जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसको भी अनेबल करना है गाइस। अनेबल ऑलरेडी USB, देख सकते हो मेरा USB डबक ऑलरेडी अनेबल है, देख सकते हो आप। अब इसको भी बैक आ जाते हैं, नहीं वायरलेस डिबगिंग ऑन करनी है गाइस, मैं गलत बोल रहा हूँ, वायरलेस डिबगिंग ऑन करनी है यार, सॉरी यार भाई, जल्दी में पता नहीं लगता वायरलेस डिबगिंग ऑन करनी है। तो गाइस बता दूँ मेरी वायरलेस डिबगिंग क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मेरा वाईफाई कनेक्ट नहीं है। सबसे पहले करता हूँ वाईफाई कनेक्ट को, ठीक है गाइस, वाईफाई को करता हूँ सबसे पहले कनेक्ट। तो वाईफाई कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं अपना वाईफाई को ऑन कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे ही वाईफाई को ऑन करूँगा तो यहाँ पर मैं अपना नेटवर्क देखता हूँ, वो गाइस ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। गाइस कनेक्ट होने के बाद उसको करता हूँ डेवलपर ऑप्शन को ऑन और यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद बैक आ जाते हैं, थर्ड स्टेप में आ जाते हैं गाइस। ओवरऑल स्क्रीन ये मेरा ऑलरेडी कम्प्लीट है, आपका भी होगा तो मार्क डन कर देना। तो गाइस फोर्थ में अगर नहीं हुआ तो भाई एक बार कर लेना है, वो बताता हूँ कैसे करना है। अनेबल में जाके दिखाता हूँ मैं कौन सा ऑप्शन है, ये रहा गाइस अलाउ ओवरऑल स्क्रीन सेटिंग, इसको अनेबल कर लेना है। उसके बाद करना गया आपको गाइस अनेबल कर लेना है अपनी USB डिबगिंग सिक्योरिटी सेटिंग, अगर आपका एम आई फ़ोन है तभी आपको होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है गाइस, मेरा ऑलरेडी था इसलिए मैंने मार्क डन पे क्लिक कर दिया। और आखिरी वाला आ गया है गाइस स्टेप स्टार्ट पेयरिंग, इस पर क्लिक करते हैं गाइस। ऐप का पॉपअप आ चुका है, नीचे आने के बाद गाइस देख सकते हो यहाँ पर लिखा होगा गाइस वायरलेस डिबगिंग, ठीक है गाइस। उसके साथ में एक ऑप्शन आ रहा है ना साइड में, उस पर क्लिक करते हैं और उसके बाद देख सकते हो मैं दिखाता हूँ आपको नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4, चौथे वाले पे क्लिक करना है गाइस। उसके बाद आपको गाइस दिख रहे होंगे कुछ पेयरिंग कोड एंड पोर्ट कोड, यहाँ पर भी यही बोल रहे हैं पेयरिंग कोड एंड पोर्ट कोड। ठीक है गाइस, सबसे पहले पेयरिंग कोड डालते हैं 14 0 2 5 1, ठीक है। अभी आ रहे हैं पोर्ट कोड, तो गाइस यहाँ पर पोर्ट कोड 5 डिजिट का बोल रहे हैं, ठीक है गाइस। और यहाँ पर तो गाइस देख सकते हो बहुत पोर्ट कोड लिखा है, और इसके लिए आपको आखिर वाले लिखने हैं सिर्फ, ठीक है गाइस 5 डिजिट 39 बोलता हूँ 39 421 421। अभी स्टार्ट पेयरिंग पे क्लिक करते हैं गाइस, आपके सामने स्टार्ट पेयरिंग पे क्लिक हो चुका है, ऊपर मैसेज भी आ जाएगा पेयरिंग सक्सेसफुल। ठीक है गाइस, आपके सामने देख सकते हो पेयरिंग हो रही है। तो गाइस जब तक पेयरिंग हो रही है लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। गाइस आपके सामने पेयरिंग हो चुकी है, बैक आते हैं, इसको कट करते हैं गाइस, बैक आ जाते हैं। तो गाइस आपके सामने हो चुकी है गाइस कंप्लीट एक्टिवेशन। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। तो गाइस ऐसी वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।